पहले प्लान ऑफ एक्शन बना के चार्ट, पहले चार्ट पेपर में हम लोग प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे। एक चार्ट पेपर लेके उसके अंदर आप अपना कंटेंट लिखोगे, कंटेंट लिखने के बाद कोई डिफरेंट काइंड ऑफ टोटल उसमें पॉइंट का ऑडियो वीडियो इमेजेस ऐसे करो। पहले अपना आपकी यहाँ पर सब्जेक्ट जो टॉपिक है वो लिखेंगे, यहाँ पर एक टॉपिक लिखेंगे चार्ट पे सब्जेक्ट।
फिर यही नोडल पॉइंट से आप टेक्स्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट डालना चाहते हो, कहाँ से सोर्स है, वो सोर्स नंबर वन, सोर्स नंबर टू, ऐसे करके आप चार्ट में लिखोगे और वही सर्च करेंगे जिसके पास कंप्यूटर होगा, सिर्फ सीसी सर्च, सीसी लाइसेंस डॉक्यूमेंट वही करके जिसके पास ऑलरेडी के पास कंप्यूटर होगा वो उसको विद द डिस्कशन विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप दे विल क्रिएट अ कंटेंट, एक पैराग्राफ बनाना है आपको, वो पैराग्राफ में टेक्स्ट मटेरियल का रेफरेंस, जहां पर अगर आपको ऐसा लगे कि यहां पर टेक्स्ट पढ़ने के साथ साथ एक वीडियो अगर ये लिंक में जाके वो देखेगा तो उसको और अच्छा एडिट एडवांटेज मिलेगा, तो उसका लिंक दे सकते हो, इवन सपोर्टिंग और पीडीएफ है वही टेक्स्ट में, सो यू कैन ऐड दैट आल्सो, सो यू हैव टू मेक अ कंप्लीट लर्निंग मटेरियल और एक पीस ऑफ लर्निंग मटेरियल जो आप अपना स्टूडेंट को या किसी को दे सकते हो who is or who are unknown on this particular topic, but after going through the particular material, they may have the complete knowledge on this topic, and that should be included with the audio, video, and text along with the assignment, so that they can have the full experience of a full course. Or nowadays we are not talking about the self-learning material. We all are actually thinking about the meta-learning material. So self-learning material was a textual interpretation, but meta-learning material is included with the video, audio, and other format also along with the textual. So you have to prepare one paragraph. You may include images from Flickr or from other sources. You may give the जहां पर भी है, यहां पर और एक देखिए, यहां पर अगर मैंने वीडियो ये
आप लोग जब खाने के लिए जा रहे थे, मैम बोल रहे थे यूट्यूब पे सब वीडियो सीसी लाइसेंस नहीं मिलता है, वहाँ पर किसी किसी वीडियो पे लिखा गया है कि यू कैन शेयर दिस वीडियो, यू कैन शेयर और यू कैन यूज दिस वीडियो। सो हम लोग यूट्यूब में जाने से पहले हम लोग वीएमओ में जाएंगे। वीएमओ देखिए, ये वाला जो लिंक मैंने दिया है, इसका लिंक का एड्रेस आप देख पा रहे हो, vmo.com बोल के उसका हैंडल नंबर दे दिया है। सो वही मेकेनिज्म, कंट्रोल एंड क्लिक, बाय प्रेसिंग कंट्रोल की इन फ्रॉम योर कीबोर्ड, बस ये वाला आप देखिए, या यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, रजिस्टर करके ये ओपन, यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो, देखिए वीओ में अपना ओन वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इवन हम लोग जो ये पीपीटी दे रहे हैं ना, मैं एक बार बाहर की जगह में मैं अपना पेपर को प्रेजेंट कर रही थी, तो मैं नहीं जा पाई ड्यू टू लॉकडाउन सिचुएशन। तो हमने क्या किया था वहाँ पर, वो जो पीपीटी मैंने तैयार किया था उस पर एक ऑप्शन होता था रिकॉर्डिंग, वहाँ पर आप वॉइस रिकॉर्ड करके उसको भेजने से वो लोग ऑन कर देते हैं आपके टाइम में, और वो जाकर वो करते हैं। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। इवन आई एम एसोसिएटेड विद एन लर्न प्रोजेक्ट, वो था एक टाइम में एन लर्न में, एक्चुअली था एनिमी से एनिमी आइसक्रीम प्रोजेक्ट था वो, पर जो सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज करते हैं ना उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके हम लोग उसका उसमें ट्रांसक्रिप्ट डाल के फिर उसके इंस्ट्रक्शन देके उसका मैपिंग होता था, वॉइस मैपिंग करने के बाद ईक्यू के ईएमपीसी से हम लोग उसको पब्लिश करते थे। ये जितना भी इंस्ट्रक्शनल वीडियो होता है ना जो यूट्यूब में आता है कि यहाँ से यहाँ पर जाओ, ये जो पॉइंट है उसमें क्लिक करो, ये जो ऑप्शन है क्लिक करो, जितना भी ट्यूटोरियल वीडियो होता है उसमें पहले स्क्रीन कैप्चर किया जाता है, उसके बाद पैकेज में उसका वॉइस रिकॉर्डिंग किया जाता है, उसके बाद उसको मैपिंग करते हैं, क्योंकि स्क्रीन धीरे जाता है और वॉइस बहुत ज़्यादा जोर जोर से चला जाता है, तो उसको उस टाइम में मैप करना पड़ता है। तो दिस इज द वर्क ऑफ एडिटिंग, तो वो करना पड़ता है। तो वीएमओ में आप स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हो, वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, या उसका वॉइस रिकॉर्ड तैयार करके उसका इम्पैक्ट करके अपना अपलोड भी कर सकते हो। सो दे आर गिविंग सच काइंड ऑफ परमिशन टू यू, इवन यू कैन गो लाइव ऑल्सो बाई यूजिंग वीएमओ, बाई यूजिंग वीएमओ आप लोग लाइव भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ज्वाइन भी कर सकते हो रजिस्टर होके। देखिए मैंने जब बोला कि वो अंडरस्टैंडिंग वो ईयर वाला आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हो। Like US federal documents or other works like
ये सब थिंग्स आर टू बी वेरी इंप्लीकेट टू योर माइंड कि कहाँ से क्या मैं इतना चॉक आउट होना चाहिए इसलिए चार्ट पेपर में आप प्लान ऑफ एक्शन करेंगे वही प्लान ऑफ एक्शन को मान के एक जगह सर्च करेंगे क्लियर डॉक्यूमेंट्स के क्योंकि दोनों के पास लैपटॉप रह रहे हैं दोनों ही सर्च कर सकते हो मगर जो सर्च हो रहा है उसका कॉन्सल्टेशन हो जाए अदर पेपर आपको वो तैयार करना है इम्पॉर्टेंट और कॉन्टेंट तैयार करके सीसी ये लाइसेंस उसमें डाल के यहाँ पर प्रेजेंटेशन करना समझ गए सर चार्ट पेपर में ऑडियो वीडियो टेक्स नहीं है आपको वो तैयार करना है आप चार्ट पेपर में कैसे लिखोगे पहले सब्जेक्ट कंटेंट को लिखोगे लिखने के बाद वो नोडल पॉइंट करके कौन सा एलिमेंट आप दे रहे हो क्योंकि चार्ट इज योर प्लान ऑफ एक्शन उसके हिसाब से जो कंप्यूटर में जो ग्रुप मेंबर बैठे होंगे वो सर्च करेंगे आप लोग क्या क्या सर्च करना चाह रहे हो वो चार्ट पेपर में आप लिखोगे टेक्स्ट में आप ये सर्च करना चाह रहे हो एक्सपेक्टेड एंड यूज्ड ये दो जगह होना चाहिए एक्सपेक्ट Thank you.
इंफॉर्मेशन यहाँ पर नंबर वन नंबर टू इस तरह से डालिए। तो ये हो गया पहले क्या होता है हमको रिसोर्स कलेक्ट करना पड़ता है। तो चार्ट पेपर इज टू चॉक आउट योर प्लान, आप रिसोर्स कहाँ से ले रहे हो वो देखना। अभी जो चार्ट पेपर में वो तैयार कर रहे हैं इतनी की वो डिफाइन कर रहे हैं कहाँ कहाँ हमको ढूंढना है। और जो दो बंदा बैठा हुआ है आप लोगों में कंप्यूटर लेके, एक उसको ढूंढो, जब भी वो नाम बोल रहा है वो टॉपिक देके वो सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद तो उससे रिजल्ट आएगा, उसमें तो आप कुछ जानोगे, तो वही कॉन्सेप्ट आपको लिखना है। जो जो ग्रुप पेपर में एक रहेगा, दो इन बिटवीन ऑल ग्रुप टू मेंबर्स विल होल्ड द कंप्यूटर, वन विल एंगेज हिमसेल्फ टू सर्च द डॉक्यूमेंट एंड अनदर वन इज एंगेजिंग हिमसेल्फ टू डेवलपिंग ए कंटेंट विद कंसर्निंग द सब्जेक्ट। Thank you.
हैव द नॉलेज, हर सब कुछ तो मैं नहीं बोल पाऊँगी ना, इसलिए तो मैंने उसको रेफरेंस डाल के आपको दे दिया है कि इसमें आप पढ़ने के लिए ये वाला रिसोर्स यूज करो। आपका वर्कशॉप कल से शुरू हुआ है लिटरली, अगर शुरू एक्चुअली कब से हुआ है, जब से व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट मैंने कर दिया है आज, और ये को हमने बोल दिया है केक क्रिएट कर लीजिए। और उसमें पहले क्या था, हम मैं और मानस जी और ये एडमिन थे, बाकी कोई पोस्ट नहीं कर पा चुकी थी, सब उठले उठे वो नींद से उठ के ही कब क्या बोलेंगे, तो मॉर्निंग सोने से पहले जाने से पहले बोलेंगे कुछ ना, इसलिए वो एडमिन मोड में था। अब जब लगा है कि आप लोग अपलोड करोगे यहाँ पर, सब लोग सबका काम देखेंगे, इफ यू शेयर द नाफे वे देयर, शेयर करोगे तभी आप आगे जा पाओगे। तब हम लोगों ने उसको भी इंक्लूड कर दिया, सो दैट यू कैन पोस्ट योर राइटअप्स आल्सो, सो ईच एंड एवरीवन हैव ऑल द नॉलेज नाउ। आप देखिए अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप का चैट अब अगर आप बैठ के शांति से पढ़े, आप सबको एक सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंट है, उसमें टॉपिक क्या है, नॉलेज उसमें आ जाए। सो नाउ यू 44 हैज 44 आइटम, सब एक एक करके आए थे ना आप लोग, अब तो खुद का कॉन्सेप्ट था, सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट लेके आए थे, तो नाउ यू आर 44 और आज यहाँ पर जो हो रहा है, हम लोग यहाँ पर ग्रुप एक्टिविटी से सब में मिल के करेंगे, अब एक एक चीज द्वारा एक दिन में नहीं होगा, अब लोग जब आप खुद से करोगे सो यू कैन हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज कि ऐसे करते हैं। देखिए पहले ही उन्होंने जब यहाँ पर शेयर किया, ही डिड द वंडरफुल जॉब, दिस इज बेटर गुड डिड द वंडरफुल जॉब, मगर That makes something different. इसको आप वो जाके दौड़ भाग के उतर रहे हैं, सो सच काइंड ऑफ कोलाबोरेटिव वर्क नहीं है, एंड ये वाला कोलाबोरेशन अगर अकेडमी में ना हो तो अकेडमी बन ही नहीं पाएगा, जितना भी जो कर कुछ शेयर करना होगा। तो वही बोल रहे हैं इसके बाद आप ये कौन सा ग्रुप इसको मेल कर दिया है आपने, कलेक्ट कर सकते हैं फ्लिकर गूगल इमेज और पिक्सा पे
सर हमने कुछ इमेजेस को अपने इस कंटेंट में डालने की कोशिश की है, दो इट इज नॉट विजिबल इन दिस वर्ड फाइल, बट इट इज लिंक इज गिवन इन द एंड ऑफ द टेक्स्ट, एंटायर टेक्स्ट, जहां से बच्चे या जो भी इस रिसोर्स को पढ़ना चाहे वो उसका रेफरेंस के थ्रू उस रिसोर्स को कैच कर सकते हैं। YouTube पे हमने एक अच्छा थ्योरेटिकल वीडियो मिल गया था जिससे हम नॉलेज अबाउट द टॉपिक को गेन कर सकते हैं। वेल एक्सप्लेन था विकिमीडिया कॉमन्स से हमें कुछ कॉमन सोर्सेज, कुछ लिंक, कुछ PDFs वगैरह के रेफरेंसेस मिल गए जिससे हमने एंड में एज फर्दर लर्निंग के लिए एज अ सप्लीमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की है। SoundCloud पे म्यूजिक अवेलेबल है, पोस्ट मॉडर्न म्यूजिक जिसे कहा जाता है, लेकिन थियोरेटिकली या सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट को उसे समझाना थोड़ा सा कठिन है, समय थोड़ा कम था, उसका टेक्सचुअल रेफरेंस नहीं दे पाए इस डॉक्यूमेंट के अंदर। असाइनमेंट में हमें कुछ PDF डॉक्यूमेंट मिल गए थे, बेसिकली bandthought.net एक वेबसाइट है जो CC BY 4.0 लाइसेंस के साथ अपने कंटेंट फ्री देती है, जिसे हमने इसमें फर्दर रीडिंग के लिए सर्च किया है। टेक्स्ट के लिए हमने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा और विकिपीडिया के सोर्सेज को बेसिकली कंसल्ट किया हुआ है। पोस्ट मॉडर्निज्म एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे ख्याल से लिटरेचर, आर्ट, ह्यूमैनिटीज, स्ट्रक्चर, आर्किटेक्ट, इन सभी फील्ड्स में इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है। पोस्ट शब्द उत्तर शब्द का एक विशिष्ट अर्थ होता है, जैसे कि किसी भी शब्द के पूर्व आप पोस्ट या उत्तर शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसकी दो मीनिंग कम्युनिकेट होती है, एक होता है आफ्टर एंड सेकेंड वन इज इन रिस्पॉन्स टू। आफ्टर एंड इन रिस्पॉन्स टू मॉडर्निज्म एक आंदोलन शुरू होता है, बौद्धिक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जनरेट होता है जिसे हम पोस्ट मॉडर्निज्म के नाम से जानते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और समय ले सकता हूँ तो मैं डिटेल बताऊँ, और अदरवाइज मैं एंड में अपने बोल रहे हो तो चीज़ कहाँ से, कौन सा वाला चीज़ कहाँ से, कौन सी चीज़ ले रहे हो,
intake citation for that. Until and unless, how we able to hear from a person of that? Actually, we were curious to know exactly the same thing. What I asked you, sir, is sir, कहाँ पे actually करना, कहाँ पे return करना, कहाँ पे sign करेंगे? और वो हो नहीं पा रहा है उधर पर आपका आना कौन नहीं पा रहा हाँ अगर इन टेक्स्ट को रेपरेट करने की बात है तो हम नहीं डाल पाए हैं वो भी कंटेंट तैयार करने में जो समय लगा है हाँ हमने इंग्लिश लिंक दिया है हमने वर्ड ये इंग्लिश लिंक है ये यूट्यूब लिंक है लेकिन उस टेक्स्ट में जगह प्लेस नहीं ये गलती से नहीं है एक्चुअली हम लोग जब लिखते हैं ना तो एक So we can, in this presentation, we can use our two
की पहचान बनकर हम सबके सामने आया है। Have been occurred.
So I can show that with the different links which are given. Can you click that link, please? So we have compared the conditions with different countries. Here we have lack of time. I'm presenting just one comparison with the UK. No, this is like this. You click the link. You can double click on the so here we are having a comparison of delta variance which is spread very fastly in all over the country. So we are having one comparison with the UK. Now go back please. Then we have the Delhi cases, how the death was going on in different states of India. So we are having the, just go down this. So it's a report we are having on daily basis, how these cases were spreading. Please go to that. We are having just some lack of coordination because we are not prepared for it. Immediately just made and we came here. So another version of this was, which is recently spread, that was the Omicron. We have details of Omicron also. You click on there. So this is spread in India, but luckily we are saved by that because we have made different vaccines also. So a number of vaccination programs have been initiated by the government, and because of that vaccination, we are having one video also, because Madam said that we have to improve the tax, audio, video and others. So we are having to fulfill that criteria for here. We are having one video also. Should we go for that? Would you like to watch? So, apart from this, about COVID, since we are in a fast moment, we have to just quickly finish our job. I just showed you one assignment link also. We are having one questionnaires also, but we could not give the link here due to lack of time. But in chat, we have made the address and all details. Those who are interested, they can go and see there, the questionnaire links also. And this is compiled by Dr. Malik, myself, Shruti, Amdavallan, CK, R.P.C., Ravi, Sita, Sushma Johan, Asim, and R.P. Vissa. Thank you. Thank you.
जाता है कि मैं बंदों के लिए ये नहीं होता है।
एक्स्ट्रा वर्जन। मैं जो जो पढ़ती हूँ उसका एक फोल्डर बना लेती हूँ। देखिए ब्लॉकचेन, लर्निंग, लर्निंग या प्रोटोकॉलिटी। अभी एलजीबीटी की वजह से मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एज वेल एज आई हैव अ स्कॉलर आल्सो विद मेटाडेटा। सो यहां पर मैंने रखा है हमारे जितना भी पढ़ती हूं जो भी करती हूं यहां पर। ये देखिए एकेडमिक इंटीग्रिटी, पढ़ने के बाद ही वही समय में मैं इसको मेंटले में सेव कर लेती हूं। देखिए कैसे करना है। This is not the part of the workshop. Still, मैं आपको जस्ट बोल रही हूँ, इसको आपको देखना है। जैसे मानो ये आपको ये वाला मटेरियल मिल गया, मैंने आपको बोला था ना ये वाला promising use, promoting use of OER, ये वाला एक डॉक्यूमेंट आपको मिल गया है। So just by clicking on this उसको क्लिक करने से ये एक्सटेंशन एनेबल हो जाता है, उसको करना है। इसको जब भी मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया है तभी वो बोल रहा है कि साइन इन हुआ कि नहीं है मेंटली अकाउंट में। देखिए वो बोल लिया है कि हाँ मैंने साइन इन कर लिया है। तो यहाँ पर जाके वो क्या क्या आपको फैसिलिटेट करते हैं आपसे क्लिक वाला पॉपअप बॉक्स में देख लीजिए। नेट इंटरनेट स्पीड कम है, ये हम हुए आप उसको सेव करो।
सा ये नाम ये वाला इसका था पहले ऐड करने से ही आ गया है। अभी उसका इससे क्या होता है आप कौन सा रिसोर्स में आपको मिला था बाद में आपको याद नहीं रहता है। अभी आपके इसका जब भी क्लिक करोगे ना तो वो पेज में चला जाएगा। So you have the resources in your pocket always. और एक चीज है अगर आप अगर देखोगे मान लो ये वाला पूरा है OER के इसमें मैं सिलेक्ट करके इधर से मैं और एक काम कर सकती हूँ। मैं citation जो है formatted उसको copy कर सकती हूँ और इधर मैं उसको पेस्ट भी कर सकती हूँ अलग से। देखिए और ये जो मेंडले के बारे में मैं बोल रही हूँ आप अगर इसका इंप्लीमेंट अगर करते हो तो आप देख सकते हो जैसे मानो यहाँ पर हमने लिखा है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज कि मैं बोल रही हूँ इसको
शिकागो मैनुअल में डाल दीजिए, तो वो चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंगली। तो ये ऐसे होता है रेफरेंस मैनेजमेंट का काम, तो आप लोग यूज कर सकते हो। इनटेक साइटेशन अगर डाल दोगे तो वो ही उसको ऑथेंटिसिटी मिलेगा, नहीं तो नहीं होगा। इधर ये ओईआर हो या आपका वैलिडेटेड मटेरियल हो, जो भी है, ऑलवेज यू हैव टू हैव द इनटेक साइटेशन अलोंग विद द रेफरेंसेस, देन आप सीसी में तो ना कोई बात नहीं। एंड नाउ वो जो अपने मटेरियल की मैंने बोला फर्स्ट मिनट के लिए, जो मटेरियल अपने सीसी लाइक ये ओईआर बोल के कॉन्टेंट तैयार किए, अब इसमें एक और बात आपको देखना है, सोचना है। आप लोगों ने, मैंने सबको बोला है कि कौन सा लाइसेंस आप ले रहे हो यहाँ पर लिखो। किसी किसी ने सीसी बीवाई दिया है, किसी किसी ने सीसी बीवाई ऐसे दिया है, किसी किसी ने सीसी बीवाई ऐसे एनसी दिया है, सब मिल बांट के किया है। तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा, अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपका पूरा कंटेंट में, अगर एक भी डॉक्यूमेंट सीसी बीवाई ऐसे में आता है, तो एंटायर कंटेंट विल बी शेयर अंडर दैट सीसी बीवाई ऐसे लाइसेंस। सो आप पहले से सोच सकते हो कि मैं दोस में आई विल चूज दोस मटेरियल्स व्हिच इज कम्स अंडर द सीसी बीवाई ऐसे लाइसेंस। एक तरीके के लाइसेंस के अंदर ही सबको ढूंढ सकते हो टू अवॉइड सच काइंड ऑफ लीगल बैरियर्स। अदरवाइज आपको ख्याल रख के करना पड़ेगा कि मैं अगर ये लाइसेंस तो दे रही हूँ, सो इज इट पॉसिबल, इज इट लीगल। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका ही है। आप इसको लाइसेंस कैसे करोगे आप देखिए, थोड़ा सा कुछ बात नहीं है ऐसा। यहाँ पर ही डिफाइन हो जाता है कि आप शेयर अलाउड होगी।
मैं अपना जो वर्क है, ये जो आपने किया है, आप बोलो कि इसको आप शेयर करना चाहते हो, ये भी फाइन। नो तो फिर नो, शेयर नहीं करूंगी। अगर ये सो तो फिर बोल रहे हैं कि आप ऐसे क्या यूज करना चाहते हो कि आपका काम जो आप शेयर कर रहे हो वो भी आपका एक्सपेक्टेशन क्या ये है कि वो भी आपकी तरह शेयर करे। ऐसे ही प्रोजेक्ट लाया था, ऐसे ही वर्कशॉप किया था।
अकाउंट उन्होंने करा दिया था सो दैट दे कैन कम टू द यूनिवर्सिटी दे कैन कांटेक्ट विद द हायर अथॉरिटीज एंड दे कैन फ्रेम अप ओईआर पॉलिसी फॉर देयर यूनिवर्सिटी यू ऑलरेडी हैव दैट पॉलिसी यू हैव टू इंप्लीमेंट नाउ यू आर रेडी कि कैसे कंटेंट तैयार करते हैं एक्चुअली from the previous video.
उसमें तो आपके ब्रेन को नुकसान करता है, कोई बात नहीं। मगर आप अगर पीपीटी यूज कर रहे हो, पीपीटी में ऑलवेज ट्राई करना की इमेज वगैरह जो होता है वो सीसी के अंदर आता है तो ही अच्छा होगा। अगर नहीं भी है पूरा नहीं, फिर भी एज पर यूनिवर्सिटी पॉलिसी है सोर्स दे दो जो प्रीवियस है। अभी तो जानते हो, अभी मत लेना ठीक है। अभी शायद देख ले सकते हैं आप 10 मिनट्स ब्रेक, 10 मिनट ब्रेक के बाद और थोड़ा सा एक्टिविटीज में किए हो, जस्ट उसको ही मैं रिकैपिचुलेट करके दे रही हूँ। ये मेरा कोई काम नहीं है, आप लोगों ने ही किया है उसको ही। उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए वी आर द टीचर्स, हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस इज आवर जॉब है ना। हम फैसिलिटेट भी करते हैं, डिसर्टेशन गाइड भी है, हैंड्स ऑन ट्रेनर भी है, करिकुलम डेवलप भी करते हैं, करते हैं ना डीओएस मेंबर के साथ बैठ बैठ के, फिर एसएलएम लिखते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, पोस्ट एडिट करते हैं, मीडिया फैसिलिटेट करते हैं, डीओएस मेंबर्स होते हैं हम लोग, ऑर्गेनाइजर ऑफ डिफरेंट एकेडमिक मीटिंग, रिसर्च गाइड, काउंसलर, कंसल्टेंट, इवैल्यूएटर, सब होते हैं ना हम लोग। ये हमारे काम डे टू डे लाइफ में है। सिर्फ अभी मैंने लिख दिया बोलते ही आपके पास अभी हो रहा है, ये मजा है अपने बारे में बोलने से। और अभी आपने जो किया है देखिए स्टेप क्या होता है सर, ये स्टेप को ही आपने फॉलो किया है, आपने एक कोर्स स्ट्रक्चर की डिजाइन किया है क्या कि नहीं, देखिए वो वाला चार्ट देखिए, आपने जो जो किया है उसका आपने डिजाइन किया है, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेस किया है क्या कि नहीं बोली जी, जी ये तो ये वाला जी में अक्सर लगा, फिर पैरामीटर्स ऑफ सिलेक्शन फॉर रिसोर्स इंक्लूजन, कौन सा पैरामीटर लिया है हमने, जो जो ये सीसी लाइसेंस वाला है ना, लर्निंग रिटेबिलिटी स्टेटस, ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी, सीसी क्यूआई लाइसेंस, आपको सिर्फ ये रिटेबिलिटी स्टेटस बोल के आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, व्हाट इज रिटेबिलिटी स्टेटस। एक्चुअली ये हमारे यहाँ पर नहीं होता है, बाहर में अगर कोई भी बुक्स होता है ना उसमें एक पॉइंट लिखा जाता है लेक्साइल मेजरमेंट बोल के, लेक्साइल मेजरमेंट को मेजर किया जाता है सॉफ्टवेयर कि कौन से एज के बच्चों में कितना एडेप्टेबिलिटी पावर है ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर चूजिंग द बुक्स। बचपन में ऐसे बहुत सारा होता था ना, एक बुक हमको दे दिया उसके दिमाग से दिमाग के ऊपर से निकल गया, अगर कोई बोलता है कि अपने पढ़ लिया हमने बोलते हम बोले थे वो वहाँ पढ़ लिया, मगर वी कांट एसिमिलेट द थिंग विद अस, दिस इज that was not our fault, वो हमारा fault नहीं था। cognition level वो एक structural matter है, ये physics chemistry और bio chemistry वाले आप लोग जानेंगे, due to the chemical problem इसको हमको हम लोग ये करते हैं, किसी का कम होता है किसी का ज्यादा होता है कहीं जाके cognition level तैयार होता है। तो अगर कॉग्निशन लेवल ऐसा हो रहा है तो वो अगर हम लोग को पीस ऑफ राइटिंग हम लोग समझ में नहीं आ रहा है तो दैट वाज नॉट आवर फॉल्ट। तो ये रीडेबिलिटी स्टेटस अगर बुक्स में होता है तो वो सिलेक्शन में उसका एक अच्छा सा हम लोगों को उसका बेनिफिट मिल जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। मगर ये अभी भी हमारे प्रैक्टिस में नहीं है, वी शुड नो कि लेक्सल मेजरमेंट बोल के भी एक चीज़ है, मगर द मेन कंसर्न इज टू फाइंड द बुक फॉर डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर नॉट अंडर द सीसी लाइसेंसिंग सिस्टम। देन हमने सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स किया, यहाँ पर देखिए आपने इमेज वीडियो ये सब किया है ना आपने, सो सिलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स किया है। उसके बाद देखिए ऑर्गेनाइजेशन, इट बीन टैगिंग विद एग्जिस्टिंग करिकुलर कोर्सेज, आप लोगों ने सबली अपने ही सब्जेक्ट में करिकुलम डिजाइन किया, ये देखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट,
देन पोस्ट मॉडर्निज्म कोविड-19 और ये क्या है तुम व्हाट यू ये सब रिलेटेड विद योर सब्जेक्ट डोमेन से ना तो हमने कोर्स स्ट्रक्चर किया और फिर देखिए मैंने बोले क्या डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम जो भी यूनिवर्सिटी करेगा मगर आप ये सारे का सारा काम कर दिया ये देखिए कल तो पहले हम लोग करिकुला तैयार करते हैं उसके ऊपर को पेपर सेलेक्ट करते हैं फिर मॉड्यूल होता है यूनिट सिलेक्शन एंड सबसेक्शन हम लोग ये सब करके फिर हम ये कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं सो दिस आर द स्टेप्स अभी ये स्टेप्स कर लिया है जैसे वो सर बार 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 बोल रहे थे ना एकदम पहले सेशन में what is actually what is about the quality of the product jo mil raha hai whether it is peer review hai ki nahi isse quality ka pata chalta hai wo year ka selection mein jaise impact factor ya citation index ye wala kam hota hai isliye quality check ke liye nahi ek jagah so dekhiye aur acha aur ek cheez जो मैंने यहाँ पर फॉर्म नहीं किया है आप तो एक प्लेन टेक्स्ट तैयार कर सकते हो जो आपने किया है बट वो आर इंटरेस्टेड टू यूज अ सॉफ्टवेयर देन वी हैव सच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर देखिए ईएक्सई बोल के एक सॉफ्टवेयर है ईएक्सई इट इज फॉर ई लर्निंग एचटीएमएल एडिटर अगर जिसको मन में होगा यू कैन यूज दैट ये एक सॉफ्टवेयर होता है और ये एक सॉफ्टवेयर होता है ओपन ई लर्निंग This is a software. You can create such kind of material. और mind mapping software होता है। यहाँ पर ये जो आपने ये किया है ना, ये जो nodal point करके database image video ये वाला जो आपका presentation है, जो आपने chart paper में किया है, वो होता है actual mind mapping. ये mind mapping का software होता है, ये किन्हीं भी open source software के नाम आपको बोला है। So you can share your work, अपने आपका work share किया, फिर आपने इसको देखा तो this is the actually possible areas. आप क्यों करोगे? What is or are your benefit? मैं बोल रही हूँ आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये as a smarter है ना तो इसमें background अभी एक नहीं होगा. ये बुक की जो खासियत है एक्चुअली वो बोल रहा
रहा है कि एक्चुअली क्वालिटी प्रोडक्ट हम किसको बोलते हैं। बाद में देख लीजिए फसल क्वालिटी प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, नेचुरल में बोल रही तो दिमाग में रहेगा वो, बाद में ये बुक पढ़ लेना। क्वालिटी हम बोलेंगे इसको अगर इस डॉक्यूमेंट में अगर आप देख रहे होंगे कि आपका ये एक्सेलेंट पार्ट है और वापस बहुत एंड ट्रांसफर ये सब हम लोग क्वालिटी बोलते हैं ना, ये दिस इज द क्वालिटी। ये पहले वाला एक्सेलेंट एंड पार्ट ये दिस डिपेंड्स ऑन द डिलीवर, जो डिलीवर करना है उसके ऊपर और जो दे भी रहा है उसके। कभी कभी हम लोग इतना अच्छा अच्छा काम करते हैं मगर जो हम लोगों को पसंद नहीं करता है वो उसमें भी कुछ ना कुछ लेकर निकाल कर देंगे। और मम्मी पापा क्या होता है, गंदा काम भी कर देते हैं, सबको बोलते हैं ये मेरा बेटा ये किया बेटी ये किया है कि नहीं। सो ये बोला का ही मैटर है, डिपेंड करता है। एक्सीलेंट और परफेक्ट कुछ काम मेरे लिए मुझे लग रहा है एक्सीलेंट है नहीं भी हो सकता है, कुछ काम लग रहा है परफेक्ट है मगर मैं अपना गुरु के पास जाऊंगी तो बोलेगा नहीं इसमें ये करो, कुछ ना कुछ निकाल देंगे वो गलतियाँ नहीं निकल रहा है उसके लेवल ऑफ परफेक्शन से मेरा लेवल नहीं हो रहा है। इसके मतलब कोई काम भी गलत या ठीक नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एक्चुअली। सो व्हाट वी हैव टू लुक आफ्टर दैट इज फिट फॉर द पार्टिसन ऑफ डेफिशिएंट, फिट फॉर द पार्टिसन फार्मा सबका ठीक है कि नहीं और ये ट्रांसफॉर्मेटिव है कि नहीं, कॉस्ट एफिशिएंसी है कि नहीं। ट्रांसफॉर्मेटिव मीन्स अगर आपने आपका मेटीरियल कोई यार बोल के अगर आप इमेज करके छोड़ रहे हो कोई उसको एडिट नहीं कर पा रहा है देन इट इज नॉट क्लियर। इसलिए मैंने आपको पहले लास्ट डे फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स के बारे में बोला, मैंने बोला कल का लेक्चर ऐसे ही लग रहा था बेकार का बोल रहा है। नाउ यू कैन रिलेट ट्रांसफॉर्मेटिव कब होगा, अगर इसका फॉर्म एंड फॉर्मेट ठीक होगा तभी ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। हमको वर्ड में लिखना चाहिए, वर्ड में ही वो पब्लिश होगा। अगर पीडीएफ में लिखे, अगर पीडीएफ में उसको कोई कोई कभी कभी दिखना जियोग्राफी या मैथ का या स्टैटिस्टिक्स का कोई कोई थ्योरी होता है जिसको उसको कंबाइन करके लगने में या कोई फिगर पब्लिश करने में वो अगर खराब हो जाए या उसका ब्रेकेज हो जाए एट द टाइम ऑफ पब्लिशिंग उसका मीनिंग ही चेंज होता है तब हम लोग उसको पीडीएफ करके दे सकते हैं। मगर पीडीएफ ऐसा होगा वही मे कन्वर्ट, अब सबको पता है ना पीडीएफ को भी हम लोग वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो वाला चाहिए। एडिटेबल होगा सो दैट वी कैन इनकॉर्पोरेट द ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ये जो हम लोग ओयर कहाँ हम लोगों को मिलेगा कैसे मिलेगा, ये जो हमने बोला था कि क्वालिटी, सो डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी थ्री फोर लेवल्स आर देयर। नंबर वन रीयूजेबल, नंबर टू एडेप्टेबल एंड देन कस्टमाइजेबल। ये जो मैंने बोला ऑगमेंट करना, कॉन्टेक्चुअलाइज करना, लोकलाइज करना, ये लोकलाइजेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आप एडिट क्यों करोगे, अपनी तरह बनाने के लिए, एज पर द योर रिक्वायरमेंट यू आर गिविंग द सर्विस, सो दैट्स व्हाई वी नीड द लोकलाइजेशन और कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन इज द मेन थिंग, इसलिए तो हम लोग एडिट करेंगे ऑगमेंट करेंगे। ये जो हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग हमेशा क्या करते हैं अगर हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में मगर बोलते हैं हम लोग जो रीजनल लैंग्वेज है जो स्टूडेंट को समझ में आए वैसे, जस्ट बिकॉज व्हाई हम डिलीवरिंग माय लेक्चर इन हिंदी एंड बिकॉज हमको रीजनल, हमको सबको रीजनल लैंग्वेज में सुनना है। तो मैंने सोचा अगर आप लोगों को थोड़ा सा जगाना है तो हिंदी ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग और कुछ नहीं करोगे। तो इसमें ही मैंने छोटा छोटा हिंदी से बोल दिया। सो टू चेक द क्वालिटी इश्यूज वी हैव टू इंस्टेंसेस इन आवर हैंड,
चार ये डिजर्व द फोर पैरामीटर टिप्स इट इज हैव प्रिवेंशन टी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस आई फॉर इंफॉर्मेशन एंड लेक्चर कंटेंट पी फॉर प्रेजेंटेशन प्रोडक्ट एंड फॉर्मेट एंड एस फॉर सिस्टम टेक्निकल एंड इक्विपमेंट मैंने जो कल पूछा था कल आपको कि ओपननेस इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल इशू इन टर्म्स ऑफ लीगल इशू इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी और इक्वालिटी इशू वो क्वालिटी चेक में ये सब आएगा पहले वाले क्वेश्चन में 19 कैटेगरी था दैट सब डायमेंशन लेके कुल मिला के 65 क्राइटेरिया इज वर देयर नाउ आफ्टर कंसल्टेशन आफ्टर एनालिसिस एंड आफ्टर further development they have decided that 38 criteria as presented here for quality check to wo wala quality check dekhna aapke ye jo resource maine aapke saath share kiya hai wo quality ka ye present application hai to usme 38 categories bola gaya hai sirf usko consider karna hai so that you can have the knowledge ki kaun sa मटेरियल लेना है कौन सा नहीं है इवन कैसे करके अगर हम लोगों को क्वालिटी का पता है तो ही ना हम क्वालिटी के हिसाब से करना चाहेंगे अच्छा है कौन कौन सा चीज अच्छा है ये बोला क्या है इसलिए तो आपको पता है वो अच्छा है इसको माइक्रोफोन हम बचपन से जानते हैं इसलिए ये माइक्रोफोन है अगर बचपन से हम सब लोग अगर इसको हम लोग मानते हैं कि ये चेयर है तो ये चेयर ही होता है ये क्वालिटी इशू आपको चेक करना है सो दैट यू कैन हैव द नॉलेज कि आपको कैसे उंगली लगाना है आप बनाओ हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और ये देखिए साइकिल इट इज फॉर रीयूजेबिलिटी रिसाइकलिंग करेंगे क्योंकि दिस इज फॉर द कॉस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट देखिए बहुत सारे मटेरियल एंड अ कॉन्टेंट और अ पर्टिकुलर टॉपिक अवेलेबल है हम अगर इंस्टीट्यूशन के लेवल से हम अगर फिर से तैयार कर रहे हैं वही तो करके वही तो बनाना है तो टाइम भी जा रहा है हम वही नॉलेज किसी और सब्जेक्ट में ले सकते हैं और टॉपिक में फर्दर रीडिंग्स में दे सकते हैं जो काम लेकर हो गया है वही उसको डुप्लीकेट करने में कोई मजा नहीं है तो हम क्या करेंगे जो एग्जिस्टिंग मेटेरियल है उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करेंगे हमारे जो स्टूडेंट्स है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंगे with the help of this four materials images videos usko thoda sa aap logo ko jaise entertainment chahiye na un logo ko bhi chahiye isliye sirf text nahi usko video bhi dal do thoda sa image bhi dal do jisliye hum logo ko bachpan se dekhna wo jo novel hota hai pasand nahi hai comics ke book pasand hai because usme visibility rehta hai two line content uske paas ek bada sa picture wahi humko aata hai अच्छा लगता है तो आपका रीडिंग मटेरियल भी वैसे ही होना चाहिए ना बोली की इंटरटेनमेंट चाहिए मगर देंगे नहीं ऐसे कैसे होगा सो दिस इज अ क्रिएटिव कॉमन स्पेस यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि आपको तो कैसे आपने डिस्कवर किया है क्रिएट किया है तो दिस इज द फाइनल प्रेजेंटेशन फ्रॉम माय सेल्फ यू कैन चेक द क्वालिटी इशू आल्सो आज तक जो हम लोगों ने इतना दूर तक जितना भी सीखा है और मैं आपको सिखाने की कोशिश मैंने किया है एज पर माई लेवल बेस्ट उसके लिए थोड़ा सा आपको एक क्विज पैटर्न Thank you.
ठीक है सर, आज का मेरा सेशन इतना ही तक था। मैंने 10 मिनट बोला, शायद 15 मिनट मैंने ले लिया। तो वर्तु जी, मौर्य जी, उन्होंने आप लोगों आत्मा की शांति के लिए बहुत अच्छे से खड़े हो गए।